हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे। इंडिया में क्रिकेट को प्यार करने वाले बहुत हैं, पर अभी फिलहाल क्रिकेट की फैन फॉलोइंग इंडिया की तरफ से 40 करोड़ के करीब जा चुकी है। वैसे भी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट अब बहुत ज्यादा देखे जाने लगा है, पर आप क्रिकेट के बारे में कुछ नए और पुराने रिपोर्ट देखते रहते हैं। और आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे क्रिकेट में सब कुछ पहली बार बनने वाले रिपोर्ट्स के बारे में, चाहे वो पहला कैप्टन हो, चाहे वो पहली सेंचुरी हो, चाहे वो पहली डबल सेंचुरी हो, इन सब के बारे में जाने। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले हम बात करें इंडियन क्रिकेट में टेस्ट में पहले कैप्टन बनने वाले कौन थे, तो वे थे सीके नायडू, जिन्होंने 25 जून 1932 को लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार टेस्ट की कमान संभाली। वहीं वनडे क्रिकेट में इंडिया के पहले कैप्टन कौन थे, उनका नाम था अजीत वाडेकर, जिन्होंने 1974 में इंडिया की कैप्टनसी संभाली। वहीं T20 कैप्टन की बात करें तो इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 2006 में टीम इंडिया की कमान संभाली, एंड उसके बाद धोनी ही कप्तान रहे। देन नेक्स्ट अब हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी की, तो यह लाला अमरनाथ ने लगाई। वहीं डबल सेंचुरी की तो यह पॉली उमरेगर ने लगाई, जिन्होंने 20 नवंबर 1955 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मुंबई में यह डबल सेंचुरी लगाई। देन उनके बाद ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग ने लगाई और इनके नाम 2 ट्रिपल सेंचुरी आई। अब नेक्स्ट बात करें ओडीआई में सेंचुरी की, तो ओडीआई में पहली सेंचुरी इंडिया का पहला मैच 1974 खेलने के 9 साल बाद 1983 वर्ल्ड कप में आई। कपिल देव ने इस मैच में 175 रन बनाए। देन इनके बाद पहले डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने लगाई। देन वहीं T20 की सेंचुरी की बात करें तो सुरेश रैना ने 2010 में लगाई। ICC ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया ने अब तक 5 टूर्नामेंट जीते, जिनमें 2 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड 2 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 1 T20 वर्ल्ड कप। एंड नेक्स्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में इंडियन बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचों की 339 पारियां खेली, जिसमें 15,921 रन बनाए। एंड ओडीआई में भी सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए, जिन्होंने 452 मैच खेले, जिनमें एवरेज 44.83 थी। वहीं टी ट्वेंटी में विराट कोहली है, जिन्होंने 115 मैचों की 107 पारी 4008, जिन्होंने 52.74 की एवरेज ली। देन नेक्स्ट इंडिया की तरफ से बेस्ट कैप्टन की बात करें तो ओडे में बेस्ट परफॉर्मेंस MS धोनी की रही, जिन्होंने 200 मैचों में कैप्टनसी की, जिसमें 110 जीते, 55 की विनिंग रेट रही। वहीं विराट कोहली ने भी 95 मैचों में कैप्टनसी की, जिसमें 65 जीती एंड 68.42 की विनिंग एवरेज रही। एंड नंबर 3 पर रोहित शर्मा ने 26 मैचों की कैप्टनसी की, जिसमें 19 मैच जीते, इनकी विनिंग प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 73.7 रही। वहीं T20 क्रिकेट की बात करें तो MS धोनी ने 72 मैचों में कैप्टनसी की, जिसमें 41 जीते, 56 की विनिंग रेट थी। रोहित शर्मा ने 51 मैचों में कैप्टनसी की, 40 जीते, 76.47 की विनिंग रेट है। एंड वहीं विराट कोहली ने 50 मैचों में कैप्टनसी की, 30 जीते, 60 की विनिंग रेट है। वहीं लास्ट अब टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली ने 68 मैचों में टेस्ट की कैप्टनसी की, जिसमें 40 जीते, विनिंग प्रतिशत 58 की थी, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद MS धोनी ने 60 मैचों में कैप्टनसी की, 27 जीते, 45 की विनिंग रेट। क्या ये इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आप पहले से जानते थे? नहीं जानते थे तो कमेंट्स में बताइए, और रिकॉर्ड अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। देन क्रिकेट की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर होम पेज पर जरूर विजिट कीजिए।